तो ये स्टोरी है माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े गेमर मतलब हमारे टेक्नो भैया के कासिल की। बिकॉज यार सुनने में आ रहा है कि एक बहुत ही खतरनाक विलेजर ने टेक्नो भैया के कासिल पे कब्जा कर लिया और वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अगर वो विलेजर सफल हो गया तो टेक्नो भैया के कासिल के अंदर हीरो ब्राइन भी स्पॉन हो सकता है। देखते हैं क्या हम टेक्नो भैया के साथ मिलके अपने कुछ डिफेंस बना के उस विलेजर को रोक पाएंगे कि नहीं। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर वो विलेजर है कौन और कहां से आया। देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली मैं आ गया हूं अपने टेक्नो भैया के कासल में, लेकिन टेक्नो भैया तो यहां पे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। शायद आगे की साइड पे होंगे। अरे बाप रे, ये क्या है बे? भाई लगता है यही वो एक्सपेरिमेंट है जो वो विलेजर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। बाप रे, एक एक कदम मुझे फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। लेकिन एक मिनट, ये क्या है बे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस विलेजर का हो जिसने टेक्नो भैया के कासल पे कब्जा कर लिया है? भाई बट ये है क्या? ऐसा लगता है ये कोई स्पेशल चीज है। लेकिन गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपकी दिवाली कैसी रही। और देखो यार, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली अमेजिंग वीडियोस आप सभी लोग देख पाओ और हमारी हीरो ब्राइन सीरीज को भी देख लेना। ओ भाई, तो ये रहा वो विलेजर गाइस जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। भाई साहब, और इसकी एक आंख भी नहीं है। एक एक मिनट चुप के रहना पड़ेगा, अगर इसने मेरे को देख लिया ना तो पता नहीं क्या करेगा ये। अभी टेक्नो भैया कहाँ पे हैं? ऐसा लगता है कि इस टाइम पे वो अपने कासल के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर होते तो आसपास नजर आ रहे होते या फिर वो भी कहीं छुप के इस बंदे को देख रहे होंगे। बट उनको खोजना पड़ेगा सबसे पहले। तो सच में कितनी डरावना बंदा है ना, और चारों तरफ से ये रेड कलर की भीम्स लगा रखी है। ऐसा लगता है कि ये जो रेड भीम वाला मैकेनिज्म इसने बना रखा है ना, इसी के अंदर ही ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन क्या और कैसे, ये सब कुछ पता लगाना होगा। भाई कहीं इसने मेरे को देख तो नहीं लिया। निकल लियो फिलहाल के लिए यहाँ से, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, ऊपर से मेरे पास कोई वेपन्स और आर्मर भी नहीं है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले टेक्नो भैया को यहाँ पे फाइंड करता हूँ और उनसे मीट करने के बाद ही कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। फाइनली कैसे भी करके मैं कासल के अंदर तो आ गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ हालात ठीक नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरे का पूरा कासल बहुत ही बड़े खतरे में है। नीचे वाली बेस में मैं जाना नहीं चाहता था, बिकॉज मेरे पास फाइट करने को कुछ भी नहीं था और नीचे कुछ भी हो सकता था। और एक दरवाजा खुला हुआ था कासल का, और फिर मुझे वो वाला विलेजर अच्छे से नजर आता है। बट यार एकदम से यहाँ पे मौसम भी खराब हो चुका था, बहुत ही तेज रेन स्टार्ट हो चुकी थी। ये सब देखने के बाद सच में मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा तो होने वाला है, लेकिन क्या। इसी को सामने रखते हुए मैं बैक साइड पे गया जहाँ पर विलेजर हॉल है, और आई थिंक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विलेजर भी मुझे नज़र आए। बट यार देखने वाली बात ये थी कि सारे के सारे विलेजर ना बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को वो तसल्लियाँ दे रहे थे कि घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। उनको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था। बट ये सब देखने के बाद मैं दोबारा से डर गया था, और इतने में रात भी हो जाती है और मैं चला जाता हूँ अपने म्यूजियम की तरफ। लेकिन ये बात मैं अच्छे से जानता था कि कहीं ना कहीं टेक्नो भैया के साथ कुछ गलत तो हुआ है। एक मिनट भाई, ये क्या है? यहाँ पे एक एंडर चेस्ट है जिसके अंदर इतना सारा मैग्मा का ब्लॉक है, लेकिन ये किसका हो सकता है? कहीं ये अपने टेक्नो भैया का सामान तो नहीं? नहीं नहीं यार, इतने सारे मैग्मा के ब्लॉक वो क्या करेंगे? तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे वो भी है तो सारा कुछ मैं उठा लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास गाइस एक एरो था और एक बो था। अब एक बो से तो मैं उस दरिंदे विलेजर को ख़त्म नहीं कर सकता था, और इसीलिए मुझे और ही आइडिया लगाना पड़ेगा कुछ। इतने में रात बहुत हो चुकी थी और वो विलेजर अपने बेड पे सो गया था। मेरे पास मौका अच्छा था कि मैं उसके पास जाके एक आइडिया लगाता कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। बट मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि अगर उसकी आंख खुल जाती तो वो मेरे साथ क्या करता। कहीं ऐसा ना हो कि ये जाग जाए भाई साहब।
और जैसे ही मैं उस मैकेनिज्म के पास आया तो यहाँ पे चारों तरफ से अंदर जाने का रास्ता बंद था। रेड कलर की लेजर वाली भीम्स लगा रखी थी इसने। अब देखो यार, इन लेजर भीम्स को मैं बिल्कुल भी टच नहीं कर सकता था क्योंकि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और उसके अंदर ना एक लेजर की ऐसा कुछ था रेड कलर की, उसके ऊपर एक बकेट टाइप थी। ऐसा लग रहा था कि उसी के अंदर ही कुछ ना कुछ होगा। बट इतने में उसकी एक बोट थी जिसके अंदर एक चेस्ट भी रखी हुई थी, तो उसके अंदर जैसे ही मैंने ओपन करा वहां पे भर भर के सामान था। डायमंड सॉर्ड और खाना भी था, आर्मर था, लेकिन उसमें जूते थे यार, चेस्ट और चेस्ट प्लेट थी। ज़्यादा सामान मैंने नहीं उठाया क्योंकि अगर वो सुबह उठ के देखता तो उसको शक हो जाता कि रात को कोई यहाँ पे आया था और मेरा सामान चोरी करके ले गया। बट इतने में मेरे माइंड में एक और आइडिया आया मैग्मा के ब्लॉक को लेके। मैं यहाँ पे एक डिफेंस बनाने वाला था जिसकी मदद से मैं उस विलेजर को रोक पाऊँगा, लेकिन ये काम बहुत टफ था मेरे लिए। बढ़िया बात ये थी कि मेरे पास मैग्मा के ब्लॉक्स आ चुके थे और पूरी ज़मीन मैंने भर दी थी मैग्मा के ब्लॉक से। अब देखने वाली बात ये थी कि उस विलेजर को मैं यहाँ तक कैसे लाऊंगा और उसको इसके अंदर धक्का दे दूंगा। बट ये उतना आसान नहीं था। रात को मैं कासल के अंदर चला गया, बट मुझे अंदाजा भी नहीं था कि थोड़े टाइम के बाद मुझे यहाँ पे क्या नजर आने वाला है। रात को वो विलेजर बहुत सारे पिगलिन को स्पॉन कर देता था अपनी सेफ्टी के लिए। शायद उसको ऐसा लग रहा था कि वो भी खतरे में है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा खतरनाक वाला काम कर रहा था, वो भी टेक्नो भैया के कासल के अंदर। मतलब वो हीरो ब्राइन को यहाँ पे स्पॉन करना चाहता था और अपना गुलाम बना के माइनक्राफ्ट को खतरे में डालना चाहता था। बट अभी तक तो मैं उसको रोकने में सफल नहीं हो पाया था। इतने में एक और सुबह होती है और मैं सारा सामान लेके बाहर आ जाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ वो विलेजर। एक मिनट, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। गाइस, भाई साहब, ये तो खुद ही उस डिफेंस के पास पहुंच गया जो रात को मैंने बनाया था इसको मजा चखाने के लिए। ऐसा लगता है इसको शक हो चुका है कि कोई ना कोई इस कासल के अंदर है और इसीलिए वो अपनी टेबल भी यहाँ पे ले आया था। मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि मैं इसी हाल में कासल को छोड़ के यहाँ से भाग जाऊँ, और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं चुपके चुपके इस विलेजर के बच्चे को उस डिफेंस हैक के अंदर धक्का दे दूं। और फाइनली मैं ऐसा करने में सफल हो चुका था और कुछ ही देर में वो ख़त्म हो चुका था। और ये देखने के बाद एकदम से मैं हैप्पी हो चुका था क्योंकि मैं जिस मिशन के लिए इस कासल के अंदर आया था वो पूरा होने वाला था। बट आगे मेरे साथ क्या होने वाला था मुझे खुद भी मालूम नहीं था। एक मिनट भाई साहब, दिक्कत ये थी कि जैसे ही मैंने उस रेड वाले मैकेनिज्म को टच करा तो मुझे एकदम से इतना डैमेज हुआ ना जिसका अंदाज़ा भी कोई नहीं लगा सकता था। मैं समझ चुका था कि सबसे पहले मुझे इस सिक्योरिटी को बंद करना पड़ेगा और इसीलिए उस विलेजर का अब सारा सामान मैंने उठा लिया था क्योंकि अब वो मेरा हो चुका था। और उसकी बोट के ऊपर बैठ के मैं टेक्नो भैया की पार्क में जाता हूँ जहाँ पर उन्होंने अपनी पार्क डिज़ाइन कर रखी है, बिकॉज मैं ऐसा सोच रहा था कि टेक्नो भैया कहीं इस पार्क के अंदर तो नहीं है। एक मिनट, ये क्या था बे? ओके, ये तो फायर क्रैकर है भाई साहब, क्या ही ओपी सीन है। ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए आज ही दिवाली का दिन है। गाइस, सच में दिवाली में कितनी मजा आता है ना ऐसे फायर क्रैक मारने में। लेकिन मन ही मन में मैं ये भी सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस विलेजर को मार के मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी मैंने उसको ख़त्म कर दिया है। जस्ट वही एक बंदा था जो जानता था कि उस सिक्योरिटी को कैसे बंद करना है। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि उस सिक्योरिटी, मतलब वो जो रेड वाला मैकेनिज्म है ना जिसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि उसका एक्सपेरिमेंट थोड़े टाइम के बाद भाई साहब सक्सेसफुल हो जाए और हीरो ब्राइन वहां पे स्पॉन हो जाए। इसलिए इस बात को लेके मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल में था। बट कैसे भी करके रात हो चुकी थी और मैं कासल की तरफ वापस आ चुका था और मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था इसको बंद करने का, बस एक बेड पड़ा हुआ था। मैंने डिसाइड करा कि एक मिनट, जैसे ही मैंने यहाँ पे रेड वाली टॉर्च तोड़ी तो ये पूरी की पूरी सिक्योरिटी ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑफ हो चुकी है। बाप रे, मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन अब मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी
कि मुझे आसपास कोई देख तो नहीं रहा, और दूसरा मेरे सामने एक डिस्पेंसर टाइप कुछ था जिसके अंदर से भाई साहब स्मोक रेड कलर का निकल रहा था, और उसके ऊपर एक बकेट टाइप कुछ मतलब चीज थी। एक मिनट, ये क्या भाई? जैसे ही मैंने उसको हाथ लगाया तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी और दुनिया में आ चुका हूँ, या फिर किसी और दुनिया का मुझे रिव्यू दिखाया जा रहा है। ओ भाई, ये मेरी आंखें हैं। सच में यार, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे सामने माइनक्राफ्ट का सबसे पावरफुल मॉब हीरो ब्राइन था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये मैं अपनी आंखों से देख रहा था या मेरे सामने कोई मूवी चल रही थी। भाई साहब, मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने उस मैकेनिज्म को हाथ लगाया तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं हीरो ब्राइन की किसी दुनिया में स्पॉन हो चुका हूँ। और उससे भी ज्यादा खतरनाक वाली बात ये थी कि हीरो ब्राइन और एंडर ड्रैगन एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, बहुत ही खतरनाक वाली। बट मेरे लिए बढ़िया बात ये थी कि मैं उस विलेजर के एक्सपेरिमेंट को रोकने में सफल हो चुका था, क्योंकि अगर उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता तो हीरो ब्राइन यहाँ पे नहीं बल्कि सीधा सीधा टेक्नो भैया के कासल में अब तक स्पॉन भी हो चुका होता। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इस टाइम पे टेक्नो भैया कहाँ पे हैं और मैं कहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका हूँ, और असल में वो विलेजर था कौन। तो क्या इस वीडियो का पार्ट 2 आना चाहिए कि नहीं गाइस, कमेंट में बताना, क्योंकि इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे पार्ट 2 में।